हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट होता है, अगर आप 1200 mm फैन खरीद के उसके ऊपर 1400 mm ब्लेड लगा दो तो क्या होगा। चलिए आज के इस वीडियो में मैं इसको टेस्टिंग करेंगे, पहले 1200 mm दे के इसका एनर्जी टेस्ट करके आपको बताएंगे कितना वाटेज ये कंजम्पशन हो रहा है और ये एयर फ्लो कैसा दे रहा है। 1400 mm डालने के बाद इसके अंदर RPM घटेगा या वाटेज बढ़ेगा या कुछ भी चेंजेस आए तो मैं ज़रूर आपके लिए हूँ। और यहाँ पे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले मैंने इसको 1200 mm ब्लेड देके ट्राई कर रहा हूँ और उसको ऊपर वाटेज वगैरह पूरा दिखाऊँगा और इसी वोल्ट के साथ, इसी एनर्जी मीटर के साथ आपको 1400 mm डाल के आपको दिखाएंगे। चलिए पहले मैंने इसको 1200 mm दे के इसको ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी मीटर के पास देखिए और इसको मैंने पहले बूस्ट मोड पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बूस्ट मोड पे और यहाँ पे वोल्ट वगैरह और वाटेज वगैरह देखिए 220 पूरा वोल्ट है और यहाँ पर आपको वाटेज आपको दिखेगा बूस्ट मोड पे। किसी भी एटेंबर्ग फैन में ये बूस्ट मोड पे 28 वाट नहीं लेता है, उसका थोड़ा ज़्यादा ही लेता है। बूस्ट मोड कभी भी इसका जो कंपनी का वाट क्लेम करता है वो वाट नहीं लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं 34 वाट 35 वाट कंपनी ने क्लेम कर रहा है, ये 35 वाट तक जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 28 वाट तब जाएगा यहाँ पे जब भी मैं 5 मोड पे डालूँ। यहाँ पे देखिए पाँचों मोड पे डाल दिया मैंने और यहाँ पे 28 वाट कंपनी ने क्लेम करता है, ये 25 वाट तक ये जा रहा है। और वोल्ट देखिए 219 वोल्ट अभी मौजूद है। यहाँ पे मैंने बूस्ट मोड पे डाला और इसका एयर फ्लो बहुत अच्छा ही है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया इसका एयर फ्लो और RPM क्या क्या चीज़ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये आइकनों 1200 mm फैन है, इसके ऊपर मैंने अभी 1400 mm ब्लेड डाल के देखेंगे ये कितना अच्छे से घूम रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं ये वाट भी टेस्ट करेंगे। ये देखो बूस्ट मोड पे 35 वाट तक ये जा रहा है। इसको ऊपर मैं एनर्जी मीटर देके टेस्ट करेंगे और इसका RPM घट रहा है या नहीं या एयर फ्लो कैसा है वो महसूस करके आपको बताएंगे। चलिए पहले मैंने इसको 1400 mm ब्लेड अटैच कर देता हूँ। देखिए ये मैंने 1400 mm लगा लिया। यहाँ पे देखिए 1200 mm मैं यहाँ पे पकड़ूँ तो यहाँ पे देखो ये कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इस मान के चलिए यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा 1400 mm फिट कर दिया और यहाँ पे फिर से देखिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ और यहाँ पे कितना छोटा हो रहा है। चलिए इसको मैंने स्टार्ट करके देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे ये रिमोट से मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने रिमोट से ऑन कर रहा हूँ और एक एक स्पीड में मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए उसके साथ ये कैलकुलेट आप कर ही सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्पीड में डाला, वाटेज देखिए 5, ये तो सही चल रहा है। दो स्पीड में देखिए और इसका एयर फ्लो भी लास्ट में क्या रहेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 पे 10, ये भी सही है। 3 पे देखता हूँ, यहाँ पे 3 पे शायद ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे देखिए 3 पे ही 20 वाट तक ये चला गया। और यहाँ पर 4 पे देखिए, ये 4 पे मैंने डाला और ये 28 वाट क्रॉस कर रही है। यहाँ पे देखिए ये 1200 mm का फैन है, सिर्फ मैंने 1400 mm का ब्लेड लगा दी। यहाँ पे देखिए 4 पे ये 32 वाट कंजम्पशन ले रहा है। और 5th पे देखिए, 5th पे मैंने डाला, अभी तक बूस्ट पे मोड पे नहीं डाला है। वाटेज देखिए अब 214 वोल्ट पे ये 55 वाट तक कंजम्पशन ले रहा है, मतलब इस मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। RPM तो सही है लेकिन वाटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए 60 वाट तक ये जा रहा है, 59-60 वाट तक ये कंजम्पशन ले रहा है, 61-62 के आसपास भी चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, और इसको मैं जब भी बूस्ट मोड पे डालूँ ये बूस्ट मोड पे चला गया और ये देखो बूस्ट मोड पे शायद ये सफिशिएंट लोड नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ये नॉर्मल मोड पे चले आ रहा है फिर से। यहाँ पे देखिए वाटेज देखिए 34 वाट कंजम्पशन ये ले रहा है, लेकिन जब भी मैंने इसको 5 मोड पे डालूँ, देखो ये 5 मोड पे है, फिर से दोबारा देखिए और ये वाट कंजम्पशन देखिए आप 60 वाट के आसपास।
मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी बंदे ने ये सोचता है ये 12 mm के ब्लेड मतलब फ़ैन के ऊपर 14 mm ब्लेड लगा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी दिक्कत डिफ़िकल्टी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाट कंजम्पशन आपको बढ़ जाएगा मोटर के ऊपर और SMPS जो कुछ भी सर्किट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। हाँ, RPM तो मेरे को सही मिल रहा है 5th mode पे, बूस्ट मोड से भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बूस्ट मोड पे यहाँ पे देखिए वाट कंजम्पशन देखिए 61-62 हो रहा है, बूस्ट मोड से थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे वाट कंजम्पशन भी देख के आपको पता चल जाएगा, लेकिन एयर फ्लो सफिशिएंट दे रहा है। लेकिन आपके जो मोटर या कुछ भी SMPS कंपोनेंट जो है ड्राइवर बोर्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। बहुत सारी बंदे ने सोचता तो है 12-14 mm लगा लेंगे बहुत सारी जगह वो जो हवा फैलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नेट के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो आपको मोटर के ऊपर दिक्कत आ सकता है। वाट कंजम्पशन देखिए आप सोच ही नहीं सकते, डबल हो गया, 35 से सीधा 63 हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत सारी बंदे ने ये सोचता है इसको लगा लेंगे वो ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन मत लगाए ये BLD7 के ऊपर, मत लगाए ये इंडक्शन कॉइल के ऊपर मत लगाए, ये उसका कॉइल के ऊपर बहुत सारी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे वाट कंजम्पशन भी देख लिया आपने, RPM तो सही मिल रहा है, एयर फ्लो भी अच्छा ही मिल रहा है, 14-12 mm से थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन आपको जो मोटर वो आपको बांड भी हो सकते हैं, ड्राइवर बोर्ड भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आज इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, बहुत सारी बंदे ने ये सोचता है उसका मैंने डाउट क्लियर कर दिया। आज के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नया टेक्नोलॉजी वाले वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।